नमस्कार दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है सीखो सीखा चल पे मैं हूं मैतुन सिंह तो आज आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं श्री श्री सरस्वती पूजा समिति तो मैंने जो है यहाँ सरस्वती पूजा का जो चंदा रसीद होता है उसे किस तरह से बना सकते हैं इसी के बारे में आज का वीडियो है तो आप में से अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि इस टॉपिक पे तो आपने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है बिल्कुल मैंने बनाया हुआ था लेकिन वो मैंने फोटोशॉप और कॉरल रो के लिए बनाया हुआ था लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा ना वो बताऊंगा

और यहां से ये जो साइज है ना आपको ए फोर कर देना है ठीक है एक काम मार्जिन पे जाइए और यहां से कर दीजिए इसे नैरो दो काम तीसरा काम अगेन साइज पे जाइए और यहां पे मोर जो पेज है ना इस पे चले जाइए उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है क्योंकि यहां पे देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है जिनको सेंटीमीटर में समझ आ रहा है ठीक है तो मैं इंच पे आपको करके दिखा रहा हूं तो कैंसिल करते हैं यहां से चलिए सबसे पहले फाइल पे आते हैं समझ कर थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे कई बार हम लोग बार बार वही यूज करते हैं जिसके चलते हमें आसानी लगती है तो चलिए एडवांस पे 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 आते हैं एडवांस आने के बाद जब कीजिएगा ना तो यहां पे मिल जाता है। इसे इंच कर इंच पे मैं आपको ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा इसीलिए अब हमें क्या करना है फिर से साइज और मोर साइज पे चले जाना है अब देखिए यहां पे इंच पे लग चुका है आपको कुछ भी नहीं करना है इन चीजों को हटा के सिर्फ थ्री कर दीजिए साइज हमारी बनके तैयार हो गई ये देख लीजिए आसान है ना बरसाते आपने इंच किया हो ठीक है इसलिए मैंने इंच यहां पे करना सही समझा अब हमारे पास कुछ इस तरह से एक ब्लैंक पेज जा आ जाती है वही साइज की जो मैंने अभी आपको यहां पे दिखाया ये देख लीजिए ठीक है ओके तो हमारे पास कुछ इस तरह से ब्लैंक पेज जा आ जा जाता है अब हम लोग आते हैं इंसट पे इंसट पे आने के बाद शैप और यहां से ले लेते हैं ये जो रेक्टेंगल है इसे यहां पे हम लोग इतना से ड्रॉ करते हैं इस तरह से ये देखिए ठीक है इसी की एक कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल को दबा के रखेंगे और यहां पे लेके आएंगे ठीक है और इस साइड से कर देंगे छोटा ये देखिए एक एक करके हम लोग बनाते जाएंगे ताकि हमें दिक्कत आगे जाके ना हो इसीलिए अब चाहे तो इसे और छोटा सा अगर कर छोटा करना चाहेंगे तो अब ये तो टोटली आपकी मर्जी है आप कितना करें अब क्या करना है आपको इसी पे रहते हुए कंट्रोल डी कर दीजिए तो इसकी कॉपी हो जाएगी अब इसे आपको सेम ही उसी के ऊपर में बैठा के थोड़ा सा इसे शिफ्ट शिफ्ट के साथ छोटा छोटा कर दीजिए और कंट्रोल होल्ड कर दीजिएगा ये दोनों साइड से छोटा हो जाएगा यही चाहिए था अब देखिए इस साइड थोड़ा सा कम लग रहा है सेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा ये देखिए कंट्रोल को होल्ड करके इस तरह तो से बड़ा कर लीजिएगा और इसे पकड़ के इतना कर दीजिए अब साइज आती है ठीक है तो हमें जो अंदर में है ना जो अंदर पे है उसकी साइज रख देनी है यहां से आपको थ्री या फिर कर दीजिए वन और जो बाहर पे है ना अब ये अब देख लीजिएगा आपको कौन सा बेटर लग रहा है और इसे आपको कर देना है ये थ्री ठीक है देख लीजिएगा अपने हिसाब से ये तो हमारा हो गया अब इस पर सेमी चीज करना है तो सबसे पहले जो बाहर पे है उस पर हमें कर देना है आउटलाइन है उसे कर देंगे वन तो ये देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिजाइन हमें अब देखने को मिल रहा है इस तरह से कुछ अब एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो लाइफ लेफ्ट एयर राइट एरो का साथ ये देखिए हमारा इतना काम हो गया है अब यहां पर एक डॉटेड जो यहां पर देखिए मैंने आपको लगाया होगा ये देखिए हम ये दे देते हैं तो सिंपली करना क्या है आप चले आइए इंसर्ट पे इंसर्ट पे आने के बाद सेप टूल और सेप टूल से यहां पे एक जो लाइन है ये ले लीजिए हो गया हमारा अब इसे डॉटेड बनाना है तो सेप आउटलाइन पे जाएंगे और यहां से क्या करना है थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा के आउटलाइन और यहां से इसे कर देंगे डॉटेड तो ये हमारा डॉटेड आ जाएगा अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा चाहिए तो इसे थोड़ा सा और अंदर से ले लेते हैं फाड़ने का जगह जो यहां से जो फाड़ी जाती है कम सकते हैं ओके अब चलिए आगे चलते हैं देख लेते हैं अब हमें आना है यहां पर पे।, पे आएंगे और सेब टुल से ये जो टेक्स्ट है ना टेक्स्ट बॉक्स इसे ले लेंगे और हमें जो है यहां पे कुछ इस प्रकार से ड्रैग कर देना ठीक है ठीके? यहां पे हम लोग फॉन्ट यूज करने वाले हैं राज फॉन्ट एट ठीक है और मैं यहां पे लिखूंगा ठीक है अब सारे को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ई से हम लोग सेंटर लेके आएंगे और इसकी साइज हम लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं तो ये टोटली आपकी मर्जी कितना आपको साइज चाहिए मेरा इतना ठीक है अब इसे जो है हम लोग इस साइड से करेंगे छोटा ये देख लीजिए और इट्स साइड से भी कर देंगे इतना छोटा इस तरह से कुछ हो गया अब इसकी जो आउटलाइन है अगर हम लोग बाहर पे क्लिक करेंगे तो इस पर एक आउटलाइन है इस पर क्लिक करेंगे सिंपली करना है क्या है टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और यहां पे आउटलाइन है इसे कर देंगे हम लोग नो no आउटलाइन अब यहां पे आएंगे शेप टूल पे और इसकी जो फिल कलर है उसे भी रिमूव कर देंगे अब हमें इसे मूव करवाने के लिए जो राइट right एरो होती है लेफ्ट राइट अप उसकी सहायता से हम लोग कर लेंगे ठीक है इसी के कॉपी करते हैं और इसे कर देंगे नीचे ये देखिए वही लेफ्ट राइट अप डाउन बटन से अब इस पर हम लोग डबल क्लिक करके जो एड्रेस है आपका वो लिख दीजिए हमने कर दिया अब करेंगे इसको सिलेक्ट इस तरह से अब चाहे इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं तो मैं इसे सिलेक्ट करने के साथ होम पे जाऊंगा और भारतीय हिंदी फॉन्ट यहां पे तो मैंने यहां पे जो है भारतीय लिया हुआ है ये देख लीजिए अब इसकी आप है। आप पे है, इसकी साइज साइज आप 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 डिपेंड डिपेंड है है कितना रखना चाह रहे हैं फिलहाल मैं इसे ट्वेल्व कर दे रहा हूं इस प्रकार से ओके अब देखिए इस पे आते हैं इस टेक्स्ट पे ये देखिए और करते हैं कंट्रोल डी इससे कॉपी हो जाती है अब आपको करना क्या है इसे लेके आ जाइए यहां पे अब देखिए इसे ले जाने में थोड़ा दिक्कत होता है कई बार तो आपको सिंपली करना क्या है यहां से आइए और इसकी जो आउटलाइन है ठीक है तो ये करने का मतलब है कि इसे आप आसानी से ये देखिए साइड ले जा सकते हैं ये टोटली आपकी मर्जी है आपको जो सुविधा अच्छा लगे कि नहीं ये ठीक है मेरे लिए तो ये ठीक है अब इस पर सारा सेलेक्ट करेंगे छोटा कर देंगे ताकि पूरा लिखा हुआ जो हमारा है वो आ जाए अब जो है इसके जो फील कलर हमने भी डाला उसे हटा, कर, हटा देते हैं ताकि हो जाए हमारा काम तो हो गया अब इस पर आएंगे कंट्रोल डी करते हैं बस सेमी प्रोसेस करना है यहाँ पे आके कोई कलर ले लीजिए अब इसे आसानी से आराम से आप यहाँ पे ले जाके छोड़ सकते हैं ठीक है इसकी साज हमें आप छोटी करनी है हाँ लगभग कितना और इसका जो कलर है इसे नो कर देते हैं थोड़ा सा मैं इस साइड से छोटा कर दूंगा इसे और सेंटर ले आता हूँ जो मैंने कहा आपको एरो बटन प्रेस करना है लेफ्ट राइट अप डाउन जो है उसकी सहायता से आप कर सकते ओके सो गाइज हमारा ये तैयार हो गया हुआ अब इससे आगे जो है वो सारी चीजें कर लेते हैं तो यहां पे आते हैं यहां पे और कंट्रोल डी करेंगे कंट्रोल डी करने के बाद यहां पे लिखेंगे क्रमांक तो हमने यहां पे क्रमांक लग लिया इसकी जो साइज है ना मैं यहां से कर दूंगा वही दस के आसपास okay. इसे यहां से कर देंगे इस तरह से छोटा ये हो गया क्रमांक को मैं यहां पे रखता हूं इसी की कॉपी करेंगे कंट्रोल के साथ और इसे ले आएंगे यहां अगेन एक कॉपी करेंगे और साइड ले आएंगे यहां और इसे लिख देंगे दिनांक और डॉट प्रेस कर देंगे हम लोग इस तरह से इस तरह से हम लोग डॉट डाल देंगे और बड़ा कर देंगे तो ये हमें सॉल्व कर जाएगा ठीक है हमारा इतना काम अब आप चाहें तो इसकी और थोड़ी साइज़ छोटी कर दीजिए ताकि यहाँ पे ये यह एडजस्ट हो जाए मतलब यहाँ पे अच्छा से दिख जाए और इसे फिर से हम लोग क्या करते हैं इसकी और एक कॉपी चाहिए ना इस साइड जो कि दिनांक के लिए होगा तो सिलेक्ट करके दिनांक कर दीजिए और थोड़ा डॉट डाल दीजिए इस तरह से कुछ ज़्यादा नहीं थोड़ा सा भी कर देंगे तो बहुत है ठीक है हमारा इतना काम हो गया है इसी की कॉपी करते हुए यहां पे जैसे लोग पे पे बाहर क्लिक करेंगे तो कर देखिए अब ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा ये देखिए आसानी से हो गया कंट्रोल डी कर देते सिंपली कंट्रोल डी करेंगे तो इसकी कॉपी आ जाएगी अब आपको क्या करना है इसे सेलेक्ट करना है और लिखना है श्रीमान श्री ठीक है इस तरह से आ गया अब इसे कर लीजिए जितना बड़ा आपको लगभग लगभग चाहिए उतना आपको यहां पे कर देना है ठीक है इसे ले आइए और यहां पे एक बार क्लिक कर दीजिए ताकि ये लेफ्ट से स्टार्ट हो और थोड़ा सा नीचे में कर देता हूं क्रमांक से थोड़ा सा नीचे और यहां पे हमें वो जो डोटेड लाइन है वो लगा देनी है इस तरह से अब इतना ही लगा देना है नीचे नहीं लगाना है समय बचाने के लिए मैं देखिए वहां से कॉपी पेस्ट करूंगा तो मैंने समय बचाने के लिए यहां पे कॉपी पेस्ट किया है और इसकी जो फॉन्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूं तो यहां पे मैंने जो फॉन्ट यूज किया है वो भारतीय हिंदी फॉन्ट इक्यावन यूज किया है फिफ्टी वन सो आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको कोई और फॉन्ट पसंद हो तो आप ले सकते हैं अब यहां पे देखिए इन चीजों को मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ और इसे कर दूंगा जस्टिफाई ताकि ये चीजें थोड़ी एडजस्ट हो जाए और यहां पे और डॉटेड चाहिए तो मैं और डॉट डाल देता हूं ताकि ये बराबर सारा दिखे यहां भी डाल दूंगा ताकि ये बराबर सा दिखे बस इतना थोड़ा सा कम ठीक है इतना हो गया इसे मैं थोड़ा सा क्या करता हूं इस पे क्लिक करूंगा तो अब इसे मैं थोड़ा सा नीचे अगर करना चाहूं तो ये नीचे हमारी हो जाएगी यहां पे एक इमेज चाहिए तो इमेज के लिए मैं जो है गूगल पे जा रहा हूं और गूगल से एक मैंने इमेज पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है जो इसे यहां पर लेके आपको दिखाता हूं ओके तो मैंने देखिए यहां पे इमेज ले आया हुआ है तो गूगल से डाउनलोड की है तो जिनकी भी इमेज है क्रेडिट उन्हीं को जाता है अब मैं इस पर एक बार क्लिक हूं और यहां पर आ जाता हूं ये देखिए और यहां से कर देता हूं बिहाइंड टेक्स्ट अब मैं इसकी कॉपी कंट्रोल को होल्ड करके यहां पर ले आऊंगा क्योंकि हमें यहां भी एक चाहिए ना अब इसे अपने मुताबिक आपको जितना बड़ा छोटा चाहिए वो देख लीजिए और इस तरह से सेट कर दीजिए ये रहा हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से ठीक है सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे जाके यहां पे देखिए ये अपने हिसाब में थोड़ा स्पेस ले लीजिएगा ताकि ये इतना तक अच्छा लगे ये हमारा हो गया है अब आते हैं इमेज पे इसी के कॉपी करके मैं यहां पे लेता हूं और इसे कर दूंगा बड़ा इस तरह से ठीक है अब ये देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसी के लिए हम लोग जाएंगे पिक्चर पे और पिक्चर पे यहां पे देखिए ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ है तो अब आपको जितना इमेज सौ करवाना हो ये देख लीजिए इस तरह से चले जाइए ये, ये यहां पे उतना सौ होके आपका आ जाएगा ये देखिए थोड़ा सा मैं और इसे छोटा कर लेता हूं और थोड़ा सा ऊपर के सेट कर देता हूं हां इतना ठीक है कहीं ना कहीं इतना सही है तो इस तरह से आपको भी कर लेना है अब देखिए यहां पे जो है हमने दिनांक तो लगा दिया हुआ था क्रमांक भी लगा दिया हुआ था अब ये नहीं सेट किया हुआ है तो चलिए इसे भी लेके चल जाते हैं तो हम लोग सीधे नीचे पे पे क्लिक करेंगे ये देखिए तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल डी कर देते सिंपली और इसे हम लोग ले जाना चाहेंगे ये देखिए इस तरह से ले आएंगे यहां पे और इसकी जो साइज है अब यहां से हम लोग वही नाइन के आसपास करेंगे के आस हमने कर दिया इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्योंकि यहां पे स्पेस की कमी होगी इसे मैं यहां से छोटा कर दूंगा आ, तो, 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 तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया है सारे को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे आएंगे यहाँ पे आने के बाद इसे कर देंगे वन या वन पॉइंट फाइव ठीक है एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए देखिए एक दो तीन बार तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है इसे यहाँ पे और दो आपको इस तरह से लगा देना है अब देखिए ये जो रुपया यहां पे आ जाता तो आपको ये रुपया यहां पे ले आना है इस तरह से रुपया में हो ही जाएगा मेरे हिसाब में ठीक है तो ये सहयोग राशि को काट देते हैं और यहां पे हम लोग बैक कर देते हैं तो ये हमारे इस प्रकार से आ जाएगा यहां पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया है इसे मैं यहां पे छोटा करना चाहूंगा सेलेक्ट करके यहां पे आएंगे और यहां पे 1.5 कर देंगे तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है इसकी जो साइज है मैं इसे और एक पॉइंट कम करूंगा और इसकी भी साइज में यहां पे कम करने वाला हूं ये देखिए इसकी भी साइज में कम कर दूंगा अब देखिए ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है ना उससे क्रमांक स्टार्ट होना चाहिए ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा ताकि और अच्छा कहीं ना कहीं आपका देखने को लगे हमारा इतना काम हो गया है अब मैं यहां पे देखिए ये जो दिनांक लिखा हुआ है ना इसी एक कॉपी कर रहा हूं कॉपी करने के बाद इसे ले आऊंगा यहां पे यहां पे प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर ये देखिए मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा समय बचाना पड़ता है अब मैं इसे यहां ले आता हूं थीके? यहाँ पे प्राप्त करता है हस्ताक्षर आ जाएगा इसकी साइज थोड़ी से कम कर देते हैं हम लोग साइज देख लीजिएगा ठीक है दस ग्यारह के आसपास आपको रखना है इससे भी छोटा मत कर दीजिएगा पता चला प्रिंट पे ही नहीं आया ग्यारह तक दस तक ये अच्छा ठीक ठाक आ जाएगा आपका अब यहां पे जितने भी रुपीज वगैरह पे किए जाएंगे वो आपको लिखना है तो चलिए एक बार मैं क्या करता हूं इस पे क्लिक होते हुए इसे थोड़ा सा डाउन कर दूंगा लगभग इतना सही है अब इस पे आएंगे इसे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस दस बार मैंने डाउन किया हुआ इस पर भी आके सेमी चीज करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी कि नीचे साइड यहां पे हमें बनाना है बॉक्स इंसर्ट पे आएंगे इंसर्ट पे आने के बाद यहां पे एक हो जाएगा आपके पास रेक्टेंगल रेक्टेंगल ले लेते हैं इस तरह से कुछ और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे आप डिपेंड करता है आप इस पर कलर वगैरह डालना चाहेंगे तो फिलहाल मैं कलर यहाँ पे नहीं डाल रहा हूं अगर आपको इच्छा है तो आप कलर वगैरह डाल सकते हैं मैं ब्लैक एंड वाइट बना रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे बस इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ा दे रहा हूं अब अगेन आएंगे इन पे शैप टूल पे और यहाँ पे इस यह तरह का कुछ डिजाइन ले, ले लेंगे ये स्टार वाला और यहां पे इस तरह से हमें ड्रॉ कर देना है अब साइज बड़ा छोटा आपको जितना अच्छा लग रहा है वो देख लीजिएगा इसे ये जो यहाँ पे दिया हुआ है येलो कलर का इसे अगर अंदर करेंगे ना तो ये डिजाइन पर इस प्रकार से दिखेगी बाहर करेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगी अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसे कितना पे रख रहे हैं फिलहाल मेरे हिसाब में तो इतना तो ठीक है तो आपको नया यहाँ से टेक्स्ट ले लेना है अब उसे आपको इस तरह से एडजस्ट करना है याद रखिएगा इसको ताकि हम लोग मैनुअली अपना जो है एडजस्ट कर सकते हैं उस पर उसी पे टेक्स्ट होता है साइज इधर उधर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आपको ठीक लगता हो तो आप रख सकते हैं अब यहां से ले लेंगे ये देखिए हमारा हो गया इस पर मैनुअली हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अब टेक्स्ट पे आएंगे यहां से सेप टूल यहां से सेप आउटलाइन जो है कर देंगे आउटलाइन गायब और यहां से फिल कलर भी गायब तो ये हमारा एडजस्ट हो गया इसे सेंटर पे इस तरह से मुकला सकते हैं हो गया अब इसकी कॉपी करना है हमें यानी कि साइड भी लाना है तो हम लोग इस पर भी एक बार क्लिक कर देंगे और इस पे भी और इसे कंट्रोल के साथ ले आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा शिफ्ट के साथ एक बार होल्ड करके देख लीजिएगा ये आपका आ जाएगा अगर आपको ये छोटा करना हो तो आप छोटा कर लीजिएगा ये यहां से तो गाइज देख लीजिए हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया हुआ है अब काफी लोग के कमेंट हो गए कि आप इस पे जो है ओम लगाए हुए थे मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा था ठीक है तो ये जो फाइल है अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अच्छा काफी लोग के कमेंट ये हो सकते हैं कि ये तो हमने एमएस वर्ड पे बना लिया अब इसे प्रिंट कैसे करेंगे अगर आपके भी जहन में इस तरह के कमेंट आ रहे हो ना तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप इसे जो है ना प्रिंट कर सकते हैं अगर आप लोग कहें तो इसे मैं फाइनल आपको प्रिंट आउट भी करके दिखाऊंगा वो भी हाथ से वाला में हाथ से जो प्रिंट करते हैं ना उस पर आपको प्रिंट ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा लेकिन अगर हाथ से आप प्रिंट कर रहे हैं ना तो जैसे कि मैंने यहाँ पे साइज एट ले लिया हुआ नाइन ले लिया हुआ तो इसकी थोड़ी साइज बढ़ानी पड़ेगी आपको हमें जो भी है तभी जाके वो अच्छे से प्रिंट आएगा और अगर आप मशीन से कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है ठीक ठाक आपका प्रिंट आ जाएगा ठीक है तो यहां पे अगर कोई चीज मिसिंग है तो उसके लिए सॉरी लेकिन बस मैं बस आपको एक आइडिया के लिए ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था अगर ये जो फाइल है अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं आप जाइए क्लिक कीजिए और इस फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू हैव फॉन बाय बाय